नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ वक्ता दुबे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी के एक होटल में मिलेट्स 2023 के अंतर्गत आयोजित क्षमता और अवसर राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की। साथ ही कृषि मंत्री गणेश जोशी और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मिलेट्स के रूप में दुनिया को दिशा देने वाला राष्ट्र भारत आज विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। परंपरागत रूप से उगने वाले श्री अन्न के प्रोत्साहन के साथ ही इसको आसानी से बाजार भी मिल रहा है। सीएम ने कहा कि गरीब जिस श्री अन्न का वर्षों से उत्पाद करते आ रहे हैं उसको प्रोत्साहन मिला है और आज इस सम्मेलन में देश भर के मंत्रीगण, प्रतिनिधि और वैज्ञानिक मौजूद हैं और इसका लाभ पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ में जंगोरा, मंडवा आदि का उत्पादन बहुतायत में होता है, इसको सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाएगा। भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है। जहां एक तरफ G20 की अध्यक्षता हमारे देश को मिली है और उसके सफल आयोजन हो रहे हैं, वहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है और लगातार देश के अंदर जो मिलेट हमारा परंपरागत रूप से उत्पादित होने वाला अन्न है, श्री अन्न है, उस अन्न का लगातार कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी हो रहा है, लोगों को मार्केट भी मिल रही है और जो गरीब लोग जिस अन्न का उत्पादन आसानी से सदियों से करते आए हैं उसको अब तेज़ी से प्रोत्साहन मिला है और उसको लेकर यहाँ पर 3 दिन का ये मिलेट कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है। इसमें देश भर से हमारे कृषि क्षेत्र के हमारे मंत्रीगण और प्रतिनिधिगण और वैज्ञानिक सभी आकर मंथन कर रहे हैं और इस मंथन से निश्चित रूप से एक सकारात्मक चर्चा से अमृत निकलेगा और वो अमृत मिलेट वर्ष को साकार रूप, जिस उद्देश्य से मिलेट वर्ष घोषित किया गया है उसको साकार करेगा। सर, पहाड़ी क्षेत्रों में कितना असर देखने को मिलेगा? पहाड़ी क्षेत्रों में इसका व्यापक असर है क्योंकि यहाँ पर परंपरागत रूप से मिलेट का उत्पादन होता रहा है। मड़वा है, झिंगोरा है, रामदाना है और भी जो हमारे यहाँ के स्थानीय स्तर पर उत्पादित होने वाले अनाज हैं उन सभी को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारी सरकार ने भी मिलेट मिशन के रूप में इसको आगे बढ़ाने का और किसानों के प्रोत्साहन का निर्णय लिया है। इधर विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,65,636 पर्यटकों से कॉर्बेट पार्क ने 13,13,80,000 से ज्यादा के राजस्व की वसूली की है। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में देश विदेश से हर वर्ष लाखों पर्यटक वन्य जीवों और पार्क की जैव विविधता का दीदार करने के लिए कॉर्बेट पार्क पहुंचते हैं। हर वर्ष कॉर्बेट पार्क में भारतीय पर्यटकों के साथ ही विदेशी पर्यटकों की आवाजाही से कॉर्बेट पार्क गुलजार रहता है। प्रशासन की माने तो स्वदेशी पर्यटकों के अलावा विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। लगातार राजस्व में हो रही वृद्धि पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी ने कहा कि हमने गत वर्ष की तरह ही इस वर्ष अच्छे राजस्व की प्राप्ति की है। देखिए, इस वर्ष कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक कुल राजस्व प्राप्त हुआ लगभग 13 करोड़ से ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें डे सफारी और नाइट विजिट दोनों चीजें हैं और इसमें भारतीय आए हैं लगभग 3.5 लाख से ज्यादा और विदेशी पर्यटकों की संख्या 6,000 से ज्यादा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का वित्तीय वर्ष में काफी राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ है, 3,65,636 को लेकर काफी राजस्व जिस हिसाब से आया है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट में इस बार जो पर्यटन के तौर पर देखा जाए तो ये साल काफी अच्छे मायनों में अच्छा माना जा सकता है। देखिए वक्ता जी, मैं आपको बताऊं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क ने इस बार जो वित्तीय वर्ष का जो
अप्रैल तक का था, 13 करोड़ से अधिक का राजस्व देशी और विदेशी पर्यटकों से प्राप्त किया है। और उसका मुख्य कारण यह है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि बाघों के घनत्व को लेकर पूरे विश्व में इसकी पहचान है, 250 से अधिक अभी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ है और अभी गणना फिर होने वाली है। संभावना जता रहे अधिकारी की इस बार बाघों की संख्या में और ज्यादा इजाफा भी होगा, तो उसको लेकर कॉर्बेट पार्क के अधिकारी जहां एक और राजस्व जो बढ़ा है उसको लेकर खुश हैं, तो वही रामनगर के पर्यटन कारोबारी भी इसको लेकर काफी उत्साहित हैं कि जिस प्रकार जो है करोड़ों का राजस्व पार्क को मिला है, तो कहीं ना कहीं पर्यटन कारोबारी भी इससे लाभान्वित हुए। जी राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। चलिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।